हाय फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? आई होप सब आप अच्छे होंगे। आज मैं बनाने वाली हूँ आलू गोभी की सब्ज़ी मेरे स्टाइल में। वैसे तो हम सब भी घर पे बनाते ही है, बस ये मैं अपने तरीके से बता रही हूँ। सबसे पहले मैंने आलू और गोभी को काट के रखा है, साथ में मैंने प्याज को और हरी मिर्च टमाटर को भी काट के रखा है। और ये पाउडर मसाले मैंने हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, गरम मसाला और थोड़ा सा मैंने लाल मसाला दिया है, कोथमीर और लहसुन अदरक का पेस्ट साथ में। अब कढ़ाई को गर्म करने रख देंगे गैस पे। जब कढ़ाई गर्म हो जाए तब उस पर हम तेल को ऐड कर लेंगे। तेल गर्म हो चुका है तब इसमें हम जीरा को डाल देंगे। जब जीरा भुन जाए तब इस पर हम प्याज को भी डाल देंगे। प्याज और हरी मिर्च साथ में मिक्स कर लेंगे। प्याज को अच्छा लाल होने तक भुनना है। अब हम लहसुन अदरक का पेस्ट जो था वो भी इसमें डाल देंगे। ये मैंने 1 चम्मच भर के लिया है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। अब इसमें हम हमारी सब्जी जो काट के रखे थे वो भी डाल देंगे। इसको अच्छा लाल कलर आने तक भून लेंगे। अब हल्का सा भुन चुका है, अब इसमें हम जो पाउडर मसाले वो भी ऐड कर लेंगे। फिर इसको अच्छे से एक साथ मिक्स कर लेंगे। मिक्स होने के बाद टमाटर को भी ऐड कर लेंगे। फिर एक बार फिर से चम्मच से इसको हिला देंगे। आप चाहे तो इसमें शिमला मिर्च भी ऐड कर सकते हो, मटर भी ऐड कर सकते हो। अब इसमें पानी डाल के हम स्लो गैस पे इसको ढक के रख देंगे, जितनी भाजी गल जाए उतनी। अब भाजी गल चुकी है, अब हमारी सब्जी पक चुकी है, आलू ही पक चुका है। अब ऊपर से कोथमीर को ऐड कर लेंगे। आप इसको रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं, चावल के साथ भी खा सकते हैं। चले फ्रेंड, बाय, मिलते हैं।